30 साल पहले आई फिल्म की कॉपी है वरुण धवन और कृति सानन की फिल्म भेड़िया। कहानी का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, वरुण धवन और कृति सानन की फिल्म भेड़िया को लेकर फैंस में हाई बज बना हुआ है। इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी दिनों से बेताब हैं। हाल ही में फिल्म भेड़िया का ट्रेलर आउट हो गया है जिसे सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार यह फिल्म की कहानी क्या है, क्योंकि ट्रेलर में जंगल और भेड़िया ही नजर आ रहा है। वरुण धवन और कृति सानन की फिल्म भेड़िया को लेकर जानकारी मिल रही है कि ये फिल्म एक 30 साल पुरानी कहानी पर आधारित है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म 30 साल पहले आई आशिकी स्टारर राहुल रॉय की फिल्म जुनून जैसी है, जिसे डायरेक्ट महेश भट्ट ने किया था। इस फिल्म में राहुल रॉय और पूजा भट्ट और अविनाश वाधवान अहम रोल में नजर आ रहे थे। फिल्म जुनून में दिखाया गया है कि विक्रम चौहान यानी कि राहुल को एक शापित शेर घायल कर देता है, जिसके बाद राहुल हर पूर्णिमा की रात को शेर बन जाता है। ऐसी ही कुछ भेड़िए की कहानी है। वहीं सच क्या है ये तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस कहानी को कॉपी बताया जा रहा है। भेड़िए का ट्रेलर फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट भी किए जा रहे हैं और कुछ इसे कॉपी भी बता रहे हैं। भेड़िया पहली भारतीय क्रिएचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म में कृति सानन भी अहम रोल निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म में वरुण धवन और कृति सानन पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। वरुण धवन और कृति सानन के साथ साथ अभिषेक बनर्जी, दीपक डोबरियाल जैसे सितारे भी नजर आएंगे। वही फिल्म भेड़िया 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका डायरेक्शन अमर कौशिक ने किया है। अब देखना यह है कि यह पर्दे पर कितना तहलका मचा सकती है। तो व्यूअर्स, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद इस फिल्म के VFX हमें बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हालांकि भेड़िया फिल्म आदि पुरुष की तरह 500 करोड़ में नहीं बनी है, फिर भी इसके VFX आदि पुरुष से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। लोगों में ये कितना कमाल दिखा पाती है और कितनी ज्यादा कमाई कर पाती है वो तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, यानी कि 25 नवंबर को। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा धमाल मचा पाएगी? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।